मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। इधर लोहरदगा जेएमएम में बड़ी बगावत हो सकती है, ऐसी खबरें हैं। बिशनपुर विधायक चमरा लिंडा बगावत कर सकते हैं, लोहरदगा लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वो अपना नामांकन भर सकते हैं, 22 अप्रैल को वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। INDIA गठबंधन से कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा है, कांग्रेस ने सुखदेव भगत को प्रत्याशी बनाया है, बीजेपी ने समीर उरांव को प्रत्याशी बनाया है। सहयोगी अमित इस वक्त हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। अमित, देखिए एनडी गठबंधन के तहत प्रत्याशी तो दिए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चमरा लिंडा दावेदारी ठोक रहे हैं और बहुत संभव है कि वो जल्द ही नॉमिनेशन फाइल करें। बिल्कुल आरती, बता दें कि लोहरदगा लोकसभा सीट जो है वो ज्यादा हॉट सीट होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से एनडीए की तरफ से समीर उरांव का दिया गया है, भाजपा प्रत्याशी समीर उरांव बनाया गया है, वही कांग्रेस जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से सुखदेव भगत को सीट दी है। ऐसे में जेएमएम जो थी वो पहले ही लोहरदगा लोकसभा सीट के लिए दावेदारी कर रही थी, क्योंकि लोहरदगा लोकसभा सीट के अंदर में 5 विधानसभा आता है, जिसमें से 3 विधानसभा के 3 विधायक जो है वो जेएमएम के हैं और 2 कांग्रेस के हैं। ऐसे में पहले ही कांग्रेस ने सुखदेव भगत को देकर के वो क्लियर कर दिया था कि इंडिया गठबंधन के सुखदेव भगत प्रत्याशी होंगे, लेकिन जिस तरह से जो सूत्र के हिसाब से खबर आ रही है कि 22 तारीख को चमरा लिंडा जो बिशनपुर के विधायक है, जो जेएमएम के विधायक है, वो 22 तारीख को नामांकन करेंगे, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि बागी तेवर अपनाते हुए वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। और जो हेड सीट था जो भाजपा और कांग्रेस के बीच में टक्कर होनी थी, अब ये त्रिकोणीय हो जाएगा, क्योंकि एक दबदबा जो कहा जाए जेएमएम का, वो भी दबदबा आप देखने को यहाँ पे मिलेगा। आरती, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए अब बगावत के सुर नजर आ रहे हैं लोहरदगा में भी, चमरा लिंडा नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं।